नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है। मैं हूँ पीसी वर्मा और आज हम देखेंगे सरीसृप, कीट पतंग, सांकेतिक भाषा के अंतर्गत रेप्टाइल, होम एन इंसेक्ट और देखेंगे कि साइन लैंग्वेज में किस प्रकार से इन्हें बताया जाता है। क्योंकि धरती के प्रादुर्भाव से लेकर अब तक बहुत सारे कीट पतंगों ने जीवन की भूमिका निर्वहन और लाइफ साइकिल में बहुत हद तक अपनी भूमिका निर्वहन किया है और इन्हें बताने के लिए अलग अलग प्रकार के संकेतों का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार से कीट पतंगों के बारे में जानकारियां संकेत के द्वारा दी जाती है। कीट पतंगों को बताने के लिए, कीड़े मकोड़ों को बताने के लिए संकेत है इस प्रकार से किया जाता है साइन लैंग्वेज में। चूहा रैट होता है, आरएटी रैट, चूहा जो होता है उसे बताने के लिए संकेत इस प्रकार से होगा। सांप स्नेक SNAKE, स्नेक जो होता है, धरती पर सांपों की बहुत सारी प्रजातियां होती है और सांप को बताने के लिए संकेत है वो इस प्रकार से किया जाता है। मेंढक या फ्रॉग FROG, फ्रॉग जो कि पानी पर भी रह सकता है, धरती पर भी रह सकता है और इस प्राणी को बताने के लिए संकेत है इस प्रकार से किया जाता है। मछली या फिश FISH, फिश जो है उसे बताने के लिए संकेत है सांकेतिक भाषा में इस प्रकार से होगा। तितली या बटरफ्लाई BUTTERFLY, फ्लाई जो होता है बटरफ्लाई, उसे बताने के लिए संकेत है वो इस प्रकार से होगा। चीटियां आंट ANT, आंट जो होती है उसे बताने का संकेत इस प्रकार से होगा। छिपकली या लिजार्ड जिसे कहते हैं LIZARD, लिजार्ड जो होता है उसे बताने का संकेत प्रकार से होता है। गिलहरी स्क्वायरल SQUIRREL, स्क्वायरल को बताने का संकेत इस प्रकार से होगा। कछुआ टॉर्टॉइस TORTOISE, जो धरती पर भी रह सकता है, पानी के अंदर भी रह सकता है, तो इसे बताने के लिए जो संकेत होता है वो इस प्रकार से होता है।
मधुमक्खी हनी बी, जो हनी बी होती है HNEY BEE, जो कि शहद बनाती है, मधुमक्खी का छत्ता होता है। तो मधुमक्खी के बारे में बताने के लिए संकेत इस प्रकार देता है। मच्छर मॉस्किटो, मच्छर को बताने का संकेत सांकेतिक भाषा में ISL में इस प्रकार से होगा। टिड्डा ग्रास होपर जिसे कहा जाता है, आपने ग्रास होपर की कहानी वैसे सुनी होगी। तो ग्रास होपर को बताने का संकेत इस प्रकार से होगा। मगरमच्छ क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल को बताने का संकेत इस प्रकार से किया जाता है, जिससे पता चलता है कि मगरमच्छ के बारे में कहा जा रहा है। मक्खी हाउस फ्लाई, आपने घरों में मक्खियों को देखा होगा, तो मक्खियों के लिए इशारा करने का संकेत इस प्रकार से है। मकड़ी स्पाइडर, स्पाइडर को बताने के लिए जो संकेत है इस प्रकार से किया जाता है, जिससे पता चलता है कि मकड़ी के बारे में बताया जा रहा है। मकड़ी अपने जाले बुनती है, उसमें कीड़ों को फंसाती है, तो ये जो मकड़ी होती है इसे बताने का संकेत इस प्रकार से होगा। केकड़ा क्रैब जिसे कहा जाता है, केकड़े की भुजाओं से सभी परिचित होंगे, और नहीं परिचित हैं तो देख लीजिए, केकड़े की भुजाएं जो होती है पकड़ सकती होती है उसमें, तो केकड़ा को बताने के लिए संकेत इस प्रकार से किया जाता है। कॉकरोच, कॉकरोच जो होता है अधिकतर आप घरों में देख सकते हैं, छुपे होते हैं और ये समय समय पर निकलते हैं, तो कॉकरोच को बताने का संकेत इस प्रकार से होता है। केचुआ जो अर्थवर्म होता है, जो कि फसल उत्पादन में अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं, तो केचुआ को बताने के लिए संकेत इस प्रकार से होता है। घोंघा स्नैल, SNAIL, स्नैल जो होता है उसको बताने का संकेत इस प्रकार से होता है, इसे अभी आप देख सकते हैं। तो सांकेतिक भाषा साइन लैंग्वेज में आज के लिए इतना ही साथियों, आपसे अनुरोध है कि हमारे वीडियो को अवश्य लाइक करिए, साथ ही साथ हमसे जुड़ने के लिए
इस वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करिए, जिससे आप हमसे जुड़ जाएंगे और हम आपके लिए इसी प्रकार जानकारियां और अलग अलग वीडियो लेकर आएंगे जो आपसे जुड़ी है, आपके काम की है। आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल के संबंध में जानकारी अपने साथियों और मित्रों से भी जरूर शेयर करिए, जिससे उनको भी इसकी जानकारी हो सके और वो भी इनका फायदा ले सके। तो आपसे अनुरोध है कि जरूर अपने साथियों मित्रों से हमारे चैनल का लिंक शेयर करिए। तो तब तक के लिए मैं पीसी वर्मा आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार।